श्री कृष्ण 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 श्रीमद्भागवतम स्कंद चार है 12 से चर्चा जारी रखेंगे। क्रमांक 1 अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। आप सब लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर आपको समय मिले तो कभी खुद से भी स्वतंत्र रूप से आप ये वृत्तांत ध्रुव महाराज का पढ़ के भी देखिएगा, बुक रीडिंग के अलावा भी। ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का जो सेक्शन है ये श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही प्रिय था। महाप्रभु लगातार उनको इसको इसका श्रवण करते थे, तो इसको आप अलग से भी पढ़ के अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। श्लोक क्रमांक 1 से हम हमारा पाठ प्रारंभ करेंगे। अपना से अनुरोध है पर संभव है तो अपना वीडियो चालू रख सकते। श्लोक क्रमांक 1 मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्ध वैशसा तपेत् मन्युं भगवान् धनीश्वर तत्रागतश्चारण यक्ष किन्नरैः संस्तूयमानोऽन्यवद्गतां जनिम्। प्रफुल्ल प्रभो आशीष। महर्षि महर्षि श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूर्ण रूपेण बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों, किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले, और पिछले वृत्तांत में पढ़ा था कि ध्रुव महाराज यक्षों के साथ युद्ध कर रहे हैं। महाराज स्वयंभू मनु और बाकी सबके समझाने के बाद महाराज ध्रुव महाराज से क्रोध शांत हुआ। महाराज कुबेर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, है हरे कृष्ण ना। प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्ण। जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी सी तेज या फिर पास में कर लीजिए। स्लो आ रही है वो था। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण अभी हरे कृष्ण अभी सही आ रही है? कृष्ण कृष्ण थोड़ा सा और बढ़ाइए। पंचर तो नहीं? ओके, एक सेकंड। श्लोक क्रमांक 2 धनद उवाच भो हाँ भो क्षत्रिया दायात् परितुष्टोऽस्मि तेन यत्त्वं पिता महादेशात् वैरं तुस्तजमत्यजः। आरती माता की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने अपने वैर भाव को त्याग दिया। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन था, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। हरे कृष्णा। अपर किसके कहने पर? स्वयं भू मनु के कहने पर ध्रुव महाराज अपना क्रोध शांत कर लेते हैं, तो कुबेर उनसे अत्यधिक प्रसन्न भी हो जाते हैं। श्लोक क्रमांक 3 न भवान भवान अवधीत्यस्यान् यक्षभ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यभावयोः। जी अमित प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। हरे कृष्ण बाबू जी। यहाँ कुबेर ये समझा रहे हैं कि काल के प्रभाव से ही जीवन में सारी घटनाएं घटित होती हैं, तो उससे दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी तात्पर्य पढ़िए यमुना माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जब धनपति कुबेर ने ध्रुव महाराज को पाप मुक्त कहकर संबोधित किया होगा तो ध्रुव महाराज ने अपने को इतने यक्षों के वध का उत्तरदायी समझकर अपने विषय में कुछ और ही सोचा होगा, किंतु कुबेर ने उन्हें विश्वास
दिलाया कि उन्होंने सचमुच ही यक्षों का वध नहीं किया था, अतः वे पापी थे, ही उन्होंने अपने राजा के कर्तव्य को निभाया था। कुबेर ने कहा, तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यक्षों द्वारा तुम्हारे भाई का वध हुआ। वह तो प्रकृति के नियमानुसार काल के फेर में मारा गया है। प्रलय तथा सृष्टि के लिए अंततः नित्य काल ही उत्तरदायी है, जो भगवान के स्वरूपों में से एक है। तुम इन कृत्यों को भागी नहीं हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे एक बहुत अच्छी शिक्षा कुबेर दे रहे हैं, जो कि समझना एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हमारे जीवन में कोई घटना होती है, कोई दुख आता है, तो समझना चाहिए वास्तव में ये हमारे कर्मों का फल है, काल के द्वारा किया गया है। और दूसरे व्यक्ति जो भी हमें पीड़ा या अपमान पहुंचाते हैं, तो काल के प्रभाव से हमारे कर्म ही हमारे पास लौट कर आ रहे हैं। तो जो भी दूसरा व्यक्ति है वह केवल एक माध्यम है। तो जब हमारे कर्म हमारे पास वापस लौट कर आ रहे हैं, वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, माध्यम को कभी भी विशेष नहीं माना जाता है कि नहीं? क्योंकि जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम उस माध्यम को भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो उस माध्यम को बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, याद रखा जाता है। तो ये यहाँ पर कुबेर बहुत एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं ध्रुव महाराज को कि वो कृत्य के भागी नहीं है, काल के द्वारा ये कराया जा रहा है, जो भगवान की ही एक शक्ति है। ये समझना हमारे लिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अहम तमित्या पार्थ धीर ज्ञानात् पुरुषस्य स्वप्निवा भात्यत्या बंध पर्यय। जी प्रमोदानंद प्रभु ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आप। हरे कृष्ण बोलिए। ध्यान तुम बुद्धि के आधार पर स्वयं तथा अन्यों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। यही ध्यान से बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है और इससे इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना चाहिए पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। मंजू माता जी तात्पर्य पढ़िए। अहम त्वयम अर्थात मैं और तुम का भाव भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण उत्पन्न होता है। परम पुरुष कृष्ण केंद्र बिंदु है और हम सब उनके विभांश हैं। वैसे ठीक वैसे ही जैसे हाथ और पांव पूरे शरीर के अंग हैं। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि परमेश्वर से शाश्वत रूप से जुड़े हैं, तो देहात्म बुद्धि जन यह अंतर नहीं रह सकता। इसी उदाहरण को यहाँ प्रयुक्त समझा प्रभु जी। चाहिए हाथ पैर हाथ 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 है और पैर पैर, किंतु जब वे दोनों संपूर्ण अंग की सेवा में लग जाते हैं तो हाथ पांव का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि ये शरीर का अंग है तथा कार्य करने वाले सभी अंगों के साथ मिलकर पूरे शरीर की रचना करते हैं। इसी प्रकार जब जीवात्मा कृष्ण भावना भवित हो जाती है, तब मैं और तुम का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि जब प्रत्येक जीवात्मा भगवान की सेवा में लगी होती है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः सेवाएं भी परम है। क्योंकि हाथ एक प्रकार से काम करते हैं और पांव दूसरी तरह से, किंतु इसका उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है, अतः ये सब एक है। इसमें तथा मायावादी चिंता कि इस कथन में कि सभी वस्तु एक है, भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान तो यह है कि हाथ हाथ है और पाव पाव शरीर शरीर है, तो भी सब मिलकर एक है। जो ही जीवात्मा सोचता है कि वह स्वतंत्र है, वैसे ही बुद्ध जीवी प्रारंभ होता है और स्वतंत्र सत्ता, अतः स्वतंत्र सत्ता का विचार स्वप्नवत है। मनुष्य को कृष्ण चेतना अथवा अपने मूल स्थिति में रहना चाहिए, तभी वह बंधन से छूट सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। यहाँ पर ये बहुत ही विशेष तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है। वास्तव में पढ़ने में बहुत सरल है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत विशेष शिक्षा दी जा रही है कि भौतिक स्तर पर मैं तुम और मेरा, जब तक इस चेतना में कोई व्यक्ति रहता है, भव बंधन से उसका छूट पाना बहुत मुश्किल है।
प्रहलाद महाराज भी सातवें स्कंध में ये बताएंगे, आप लोगों ने ये श्लोक सुना भी होगा, जनस्य मोहोऽयम अहम् मेति। भौतिक जीवन कहाँ से चालू होता है? जब व्यक्ति खुद को केंद्र में रखता है, मैं और मेरा। यहाँ पर बताया गया है कि स्वतंत्र इच्छा नहीं होनी चाहिए, मन के द्वारा आई हुई इच्छा, स्वतंत्र इच्छा जीव के लिए हानिकारक है और वह भव बंधन में हमेशा पड़ा रहे। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वास्तव में अगर आप अपने जीवन में एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान से सुनिए कि दुनिया में केवल और केवल दुख इसलिए है कि हर व्यक्ति अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। ये छोटे से छोटे पशु के जीवन से लेके देवताओं, ब्रह्मा के जीवन तक हम देख सकते हैं। कहीं भी मतभेद है, कहीं भी कुछ है, केवल इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, कंट्रोलरशिप जिसको कहा जाता है। अब चाहे वो घर को ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, केवल लोगों के बीच मतभेद और लड़ाइयां इसलिए होती हैं कि वह हर चीज खुद को केंद्र में रखकर करता है। चाहे माता पिता के बीच में लड़ाई हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो, सास और बहू के बीच में लड़ाई हो, कारण केवल इतना सा है कि वो व्यक्ति अपनी मर्जी चलाना चाहता है बस। और ये हर जगह इसके अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, इस पर विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे, लेक्चर ही हो जाएगा इस पर। समझने वाली बात यह है कि यह मानसिकता कि हमें हमेशा हमारी मर्जी चलानी है और मैं जो बोलूँ वो होना चाहिए, तो खुद को केंद्र से हटाकर हमें हमारा जीवन जीना चाहिए कि हम उतने इम्पोर्टेंट विशेष नहीं। और ये जब कोई व्यक्ति समझ लेता है कि वो ज्यादा विशेष नहीं, कृष्ण भावना भावे तो उसकी चेतना हो जाती है, तो तब भव बंधन में भौतिक जगत में रहते हुए भी वह भव बंधन में नहीं रहता। ये बहुत ही सूक्ष्म बीमारी जो हर एक जीवात्मा में होती है, अपना आधिपत्य स्थापित करने। और वास्तव में इसी बीमारी की वजह से हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए, क्योंकि हम खुद का कुछ करना चाहते हैं। जब तक ये मानसिकता रहेगी, भक्ति करना भी हमारे लिए संभव नहीं है, हमारी मर्जी के अनुसार हमें कार्य नहीं करना। ये यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा धनपति कुबेर ध्रुव महाराज को दे। आगे बढ़ते हैं। तद्गच्छ ध्रुवं भद्रं ते भगवन्तमधोक्षज सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहं। यामिनी माता जी प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। हे ध्रुव, आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे है, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है, इसलिए सभी जीवात्मा बिना किसी अंतर के एक है। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अंतिम आश्रय हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ कुबेर ध्रुव महाराज को परामर्श दे रहे हैं कि भगवान की सेवा करने से ये सारी मानसिकता जो भौतिक जगत की है ये अपने आप ही चली जाएगी, क्योंकि वे सारे जीवों के अंतिम आश्रय हैं। भगवान की भक्ति करने का, भगवान का आश्रय लेने का यहाँ पर ध्रुव महाराज को, यहाँ कुबेर है ध्रुव महाराज को आदेश दे रहे हैं। जी अनीता माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य यहाँ पर विग्रह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इंगित करता है कि परम सत्य अंततः भगवान है। इसकी व्याख्या ब्रह्म संहिता में मिलती है। सच्चिदानंद विग्रह उनका रूप है, किंतु यह किसी भी भौतिक रूप से भिन्न प्रकार का है। जीवात्माएं तो परम रूप की तटस्थ शक्ति हैं, इस प्रकार वे परम रूप से भिन्न नहीं है, किंतु इसके साथ ही वे उस परम रूप के तुल्य भी नहीं है। यहाँ पर ध्रुव महाराज से परम रूप की सेवा करने को कहा गया है। इसमें अन्य व्यष्टि रूपों की सेवा सम्मिलित है। उदाहरणार्थ वृक्ष का एक रूप है, और जब वृक्ष की जड़ों में पानी डाला जाता है तो अन्य रूप पत्तियां, टहनियां, फूल
तथा फल भी स्वतः सिद्ध जाते हैं। यहाँ पर मायावादियों की धारणा की परम सत्य सब कुछ है, इसलिए यह रूप विहीन है, रूपहीन है, निरस्त हो जाती है। उल्टे यह पुष्ट होता है कि परम सत्य का रूप होता है, वह सगुण है, फिर भी वह सर्वव्यापी है, उससे स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद मायावाद पर खंडन इस तात्पर्य में कर रहे हैं कि जब कुबेर कह रहे हैं कि भगवान के विग्रहों की सेवा करो, इसका अर्थ है कि भगवान का रूप है और भगवान का रूप होते हुए भी वह सर्वव्यापी, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। जी अगला श्लोक, भजस्व भजनीयांगम अनुभवाय भवच्छिदं उत्तम विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्मनाय। श्याम गोविंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। श्याम गोविंद प्रभु जी अक्रूर प्रभु अनुवाद पढ़िए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अतः तुम अपने आप को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूपेण प्रवत करो, क्योंकि केवल वे ही हमें भौतिक अस्तित्व के इस बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। हरे कृष्ण। तो कुबेर आगे बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही अगर पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति कोई करता है तो सांसारिक बंधन से छुटकारा उसे मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुबेर यहाँ पर ध्रुव महाराज को शिक्षा दे रहे हैं। जी तात्पर्य, तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। जी अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर पिछले श्लोक से अगले विशेष रूप से उल्लेख है कि आगे सॉरी यहाँ पर पिछले श्लोक से आगे विशेष रूप से उल्लेख है कि ध्रुव महाराज को भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति में सेवा कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्गुण पक्ष की नहीं की जा सकती है। प्रभु जी किसी और को बोल दीजिए, डिस्टर्ब कर रही है। मीनू माता जी आगे पढ़िए। जब भी भजस्व शब्द आता है तो सेवक, सेवक, सेवा तथा सेव्यम, ये तीनों होने चाहिए। भगवान सेव्य है, सेवा करने वाला सेवक है, और प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्यकलाप ही सेवा है। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वह यह है कि केवल भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, मामेकम शरणम व्रज वज्र। देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, वे परमेश्वर के हाथ पांव के समान हैं। जब परमेश्वर की सेवा की जाती है तो उनके हाथ पांव की भी सेवा हो जाती है। अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसा कि भगवत गीता 12.7 में कहा गया है, तेषां महास्मृतता मृत्यु संसार सागरा। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त को पक्ष लेने के लिए भगवान उसके अंदर से ऐसा निर्देश देते हैं, अनंता वैभव बंधन से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो जीव आत्मा को इस जगत के बंधन से छुड़ा सके। भौतिक शक्ति तो भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का प्रकट्य है, परास्य शक्ति विविध देवः श्रुत है। यही भौतिक शक्ति भगवान की शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति परमेश्वर से भिन्न नहीं, किंतु साथ ही परमेश्वर को इस शक्ति से कोई सरोकार नहीं रहता। जीव आत्मा तो तटस्था शक्ति से युक्त है और यह भौतिक संसार पर प्रभुत्व जताने की अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शक्ति में फंसा हुआ है। भगवान इससे विलग रहता है, किंतु जब वही पर जीवात्मा उनकी भक्ति करने लगता है तो वह उनसे आसक्त हो जाता है। यह स्थिति युक्तम कहलाती है। भक्तों के लिए भगवान भौतिक शक्ति में भी विद्यमान रहते हैं, यह भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों में कार्य करती है,
जिससे इस जगत के कार्य तथा कारण उत्पन्न होते हैं। जो भक्त नहीं है वे ऐसे कार्य कलापों से लगे रहते हैं, जबकि भक्त लोग जो ईश्वर से युक्त रहते हैं भौतिक शक्ति के कार्य कारण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान को भव छिदम कहा गया है, अर्थात वे जो इस संसार के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। एक तो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए, निर्गुण पक्ष की भक्ति नहीं करी जा सकती, और इसलिए अगर इस विश्व में जगत में सेवा करने योग्य कोई है तो वह केवल और केवल भगवान है। पर कहा जा रहा है देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, देवताओं ही नहीं किसी की भी सेवा करने की आवश्यकता नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी की भी सेवा करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर और अपनी पुस्तक प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा उनके दूसरे अवतारों की भी कोई भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। हम मंदिर में बहुत सारे विग्रह रखते हैं क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु संकीर्तन के प्रवर्तक, और जो विग्रह सेवा मन की शुद्धि के लिए अलग भगवान के विग्रह हम रखते हैं, लेकिन अंदर ये निष्ठा हमारी होनी चाहिए कि भगवान के अलावा देवताओं की तो, अन्य पुरुषों की तो छोड़िए, जागतिक पुरुषों की तो, जागतिक लोगों की तो बात ही छोड़िए, देवताओं की बात छोड़िए, और किसी अन्य अवतार की भी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, माम एक शरण भजन, मेरी और केवल मेरी शरण में आई भगवान ने यह कहा। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं कि भक्त को भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए भगवान ऐसे भक्त को अंतर हृदय से निर्देश देते हैं। ये भगवद गीता का श्लोक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति। तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं परमात्मा के रूप में, उतनी बुद्धि उस भक्त को देते हैं कि वो इस भव बंधन से छुटकारा पा सके। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा तब होगा जब भक्त बहुत ही शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करेगा, भगवान को प्रसन्न करेगा। कुछ भी हमारे जीवन में अगर गलत हो रहा है, भक्ति करने के बावजूद हम अगर हमारा मन शुद्ध नहीं हो पा रहा है, सेवाएं हमारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, और बहुत समस्या हमारे जीवन में आ रही है, इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में हमको वह ज्ञान स्फूर्त नहीं कर रहे, वह ज्ञान नहीं दे रहे। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारी भक्ति की प्रैक्टिस है, जो हमारा भजन है, वो हमारा स्ट्रांग नहीं है, वो हमारा शक्तिशाली नहीं है। तो ये भक्ति की शक्ति अगर किसी के पास होती है तो स्वतः ही परमात्मा उसे ज्ञान देते हैं, चाहे वो स्वयं हृदय में दे, चाहे भक्तों के माध्यम से दे। और ये कोई व्यक्ति कब नहीं समझ पाता है, जब यहां पर देखिए जीवात्मा तो तटस्थ शक्ति से युक्त है, तटस्थ शक्ति है, लेकिन इस भौतिक जगत में क्यों फंसा हुआ है? वह भौतिक संसार पर प्रभुत्व जताने की अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक जगत में फंसा हुआ। इस पर अगर आपको स्मरण हो तो हम पहले चर्चा कर रहे थे। केवल समस्या कहाँ है? हर व्यक्ति अपना प्रभुत्व हर जगह जमाना चाहता है, चाहे भौतिक जगत में ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक संगठनों में भी ले लीजिए, चाहे भक्तों के बीच भक्तों के संघ में भी ले लीजिए। जब तक यह किसी के अंदर मानसिकता है कि उसका प्रभुत्व जमा रहना चाहिए, है कि नहीं, हमारी चलनी चाहिए, तब तक भौतिक जगत से निकलना बहुत मुश्किल है। तो परमात्मा से आने वाला भक्ति का ज्ञान ऐसे साधक को नहीं मिल सकता, है कि नहीं? तो यहाँ बताया भगवान इससे अलग है, लेकिन जीवात्मा भगवान की भक्ति करने पर उनमें आसक्त हो जाएगा, इस भौतिक भव बंधन से निकल सकता है।
कि नहीं? और ऐसे कौन से लोग ऐसे कार्य में लगे रहते हैं, बहुत जो भक्त नहीं है वे ऐसे कार्यकलापों में लगे रहते हैं, गुणों के प्रभाव से वे सब जगह अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं। ये केवल आप हर जो है हर स्तर पर इसको देख सकते हैं, चाहे देश विदेश के अंतर्गत राजनीति हो, चाहे घर गृहस्थी हो, कहीं भी केवल और केवल लड़ाई इस जगह इस चीज के लिए है कि हमारा प्रभुत्व ज्यादा से ज्यादा कैसा बने, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकें, चाहे वो घर हो कोई भी हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर गणपति यक्ष महाराज जी को दे रहे। ओके, श्लोक क्रमांक 7। वृणी कामम निर्पयन मनोगतम मत्तस्तद्वैमोत्तन पदे विशंकितम् वरं वराभुजनापादयोरनन्तरं ताम्बयमङ्गुश्रुष्म। जी आयुष प्रभु, कौन से पढ़ेंगे? हरे कृष्णा दादा प्रणाम। हरे हे महाराज, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमल नाम भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लीन रहते हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना झिझक के तुम जो कुछ वर मांगना चाहो मांग सकते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ध्रुव महाराज ने जो भक्ति की थी उनके बाल्यकाल में, उसकी वजह से वे पहले ही विख्यात थे। और देखिए, समझने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के निर्देशन में सीधे भगवान की भक्ति करी, भगवान के दर्शन प्राप्त किए, और यह जानकर कुबेर के साथ उनका वैर का भाव था, शत्रुता का भाव था, लेकिन यह जानकर कि ध्रुव महाराज भगवान के भक्त हैं, कुबेर उन पर आशीर्वाद उनको आशीर्वाद देना चाहता है। लेकिन नहीं, यह प्रसंग आगे भी आएगा जब प्रचेता महाराज यह बात प्राचीनी परिषद के पुत्र तपस्या करने के लिए जाएंगे, तब यह भी आएगा कि जब वह तपस्या करने के लिए जाते हैं तब भगवान शिव वहां पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्योंकि आप भगवान की भक्ति में लगे हैं और ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं आपको कुछ निर्देशन और आदेश देता हूँ। तो वास्तव में देवताओं का परम आशीर्वाद भी यही है कि वह भगवान की भक्ति में हमको लगाना चाहते हैं, है कि नहीं? तो अगर कोई देवताओं की भी उपासना करना चाहता है, इस भाव से करता है कि भगवान की भक्ति में हमें लगाएं, तो वे भी हमारी सहायता करें। ध्रुव महाराज का नाम सुनते ही, क्योंकि वे प्रख्यात हैं, कुबेर उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर तैयार। भगवान की संतुष्टि से सारा जगह संतुष्ट होता है, यह भागवतम में श्लोक भी है, प्रमाण भी है, और इसकी यहाँ पर शिक्षा भी दी जा रही है। ओके, जय माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, राजा उदानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज पूर्व से ही सारे ब्रह्मांड में भगवान की महान भक्त के रूप में विख्यात हो चुके थे। वे श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते थे। श्री भगवान का ऐसा शुद्ध कल्मष रहित भक्त देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाला कोई भी आशीर्वाद ग्रहण करने का पात्र होता है। ऐसे आशीर्वादों के लिए उसे अलग से देवताओं की पूजा नहीं करनी होती। कुबेर देवों के धनपति हैं और वे स्वयं ध्रुव महाराज को मुंह मांगा वरदान देने को कह रहे हैं। अतः श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, जो लोग श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लीन रहते हैं, उनके लिए समस्त भौतिक आशीर्वाद दासियों के समान प्रतीक्षा करते रहते हैं। भक्त के द्वार पर किसी भी समय मुक्ति देवी मुक्ति अथवा इससे भी अधिक प्रदान करने हेतु प्रतीक्षा करती रहती है। अतः भक्त होना सम्माननीय पद है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमामयी भक्ति द्वारा मनुष्य संसार के समस्त वरदान अनायास ही प्राप्त कर सकता है। कुबेर ने ध्रुव महाराज से कहा कि उन्होंने सुन रखा है कि ध्रुव सदैव समाधि में रहते हैं या श्री भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें यह पता था कि ध्रुव महाराज को तीनों भौतिक लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। उन्हें पता था कि वे श्री भगवान के चरणारविंद को स्मरण करते रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगेंगे। धन्यवाद। तो जो हम चर्चा कर रहे थे तात्पर्य में वही बताया गया था कि उनको पता था कि ध्रुव महाराज भी तो भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं मानते, जैसे कि भौतिकवादी लोग करते हैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए वरदान में। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, इसके आगे से हम आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो बता सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर ग्राम देखते
एनी क्वेश्चंस कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, हाँ जी यम कौन बोलो? हाँ आरती माता जी, यस हाँ हाँ जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आप जो समझा रहे थे ना कि अपने आप को सेंटर में रख करके द्वंद हो रहे हैं सब, मतलब सबका जड़ मूल ही यही है कि हम अपने आप को, प्रश्न है प्रभु जी की हम इससे छूटे कैसे। बात तो सही है कि यहाँ सब झगड़े का जड़ यही है, पर वो इतनी डीप अंदर रूटेड है कि उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है, तो उससे कैसे निकला जाए प्रभु। काफी अच्छा प्रश्न है माता जी। सब सबके साथ ये समस्या, कम से कम पहले हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमारे अंदर ये समस्या है। दूसरी बात, ये कैसे जाए, बहुत साधारण और बहुत सरल उत्तर है कि हमको खुद को केंद्र से हटाकर भगवान को, गुरु को केंद्र में रखना। हम खुद को केंद्र में रखते हैं मतलब क्या करते हैं, खुद के मन में जो आता है वो करते हैं। स्वयं के मन से जो भी धारणाएं बनती हैं, जो भी सोच बनती है, जो भी क्रिया होती है, हम वो करते हैं। करना हमें क्या है, हमें खुद के मन के अनुसार नहीं चलना, भक्तों के निर्देशन के अनुसार, भक्तों और गुरुओं के निर्देशन के अनुसार, भगवान का आदेश मानते हुए जीवन यापन करना है। और धीरे धीरे हम ये हमारे जीवन में पाएंगे कि खुद को केंद्र से हटाकर भगवान हमारे जीवन का, गुरु वरिष्ठ भक्त हमारे जीवन का केंद्र बन जाते हैं। तो धीरे धीरे यह मानसिकता चली जाती है, लेकिन इसके लिए काफी अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि करोड़ों जन्मों का अभ्यास हमारा है कि हम हमारे मन के अनुसार चल रहे हैं। प्रभु तो जब जताने का हमारा प्रयास है, तो उसमें ये अभ्यास, इसके लिए ये करना चाहिए कि स्वयं के मन से कुछ भी ना, जो भी करें भक्तों के निर्देशन में करें। जी जी जी, थैंक यू, बहुत अच्छे बताया प्रभु जी। एक चीज और, जैसे हम कुछ भी करते छोटे बच्चों को अप्रिशिएट चाहिए रहता, छोटे बच्चों को वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। और ऐसे ही हम बड़े हो जाते हैं ना, तब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई भी काम करें, छोटी नॉर्मल सेवा करें या कैसी भी, तो वो अंदर से ऐसा भाव रहता है कि हमें किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया या किया लाइक, वो जो बोलते हैं ना फेसबुक के लाइक्स वगैरह, इंस्टाग्राम सोशल, तो वो मतलब बच्चे बच्चों की हरकत रहती है। हमारी बड़े होने के बाद भी हम अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या वजह है, मतलब उससे भी कैसे बचें? या ये सही है कहीं, जैसे हम सुन रहे थे कि भगवान भी अपना क्लरिफिकेशन सुनना चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी वो इच्छा आती है, या वो मोटिवेशन से हम थोड़ा और उत्सुक होते हैं सेवा करने में, तो उसको कैसे समझा जाए? मतलब हम अपने आप को सही जज कर लेते हैं, ऐसे ही अपने निर्णय निकाल लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है। कई मोटिवेशन के लिए ठीक है, या कई बार हतोत्साहित भी हो जाते हैं, कोई मोटिवेट नहीं करता है तो कोई बोलता नहीं है, तो कैसे समझे प्रभु जी? काफी अच्छा प्रश्न है आपका कि मोटिवेशन किसी को कैसे चाहिए रहती है। वास्तव में शुरुआत में, प्रारंभ में भक्तों को मोटिवेशन चाहिए रहती है। देखिए, जो जब बालकों को, छोटे बच्चों को मोटिवेट करते हैं या इंकरेज करते हैं, तो वो प्रकार अलग होता है कि नहीं? कोई नया भक्त होता है, कभी वो बोलता है कि नहीं? ऐसा लोगों को शुरुआत में दिखाने की आदत होती है। आप लोगों को प्रचार में अनुभव होगा कि जब आप नए व्यक्ति को प्रचार करते हैं, तो वो भी कहता है कि हाँ हम भी माला करते हैं, हम भी मंदिर आते हैं। जैसे मंदिर आके पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया उसने, लेकिन हम फिर भी उनको अंदर में तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही एहसान कर रहा है मंदिर आके, लेकिन बाहर से हम उनको बोल देते हैं वाह वाह क्या बात है, आप मंदिर आते हैं बहुत अच्छा, संडे को आया करिए, हमारी संडे फीस्ट में आइए। तो एनकरेजमेंट हर व्यक्ति को उसके स्तर पर लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होना चाहिए कि हमें ऐसा एनकरेजमेंट की तलाश नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में तो ये सही है और भक्त देते भी हैं ये सब आपको, जैसे कि अभी जब हम पिकनिक पर गए थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अवार्ड सारे भक्तों को बांटे गए थे, लेकिन किसी ने 10 भगवद गीता करी है, 20 भगवद गीता करी है। अब किस ऐसी कोई तोप नहीं मारी है 20 भगवद गीता करके, तो बच्चे बच्चे कर लेते हैं, उसके लिए भी जितनी भगवद गीता नहीं करी उससे बड़ा तो अवार्ड मिल गया। लेकिन ये एनकरेजमेंट दिया जाता है जिससे भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। शुरुआत में ये रहता है इस तरीके से भाव भक्तों का रहता है कि हाँ चलिए हमारी सेवा को पहचाना गया, क्योंकि मानसिकता यही है कि मेरी इम्पोर्टेंस समझी गई, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। स्काई डिपार्टमेंट ने ये समझ लिया कि
मैं 20 भगवदगीता नहीं करता तो क्या ही करते बेचारे, तो इसीलिए ये करा दिया गया है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे शुरुआत में ऐसा अच्छा है, भक्त हमें एनकरेजमेंट दे सकते हैं, धीरे धीरे हमें एनकरेजमेंट इन चीजों से नहीं मिलना चाहिए। धीरे धीरे हमें जो प्रोत्साहन है वो हमारे श्रवण कीर्तन से, भक्तों के कृपा आशीर्वाद से, गुरु की आज्ञा का पालन करने में मिलना चाहिए। और धीरे धीरे जो भक्त प्रगति करते हैं वो देखते हैं कि उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत नहीं पड़ती, उत्साहवर्धन उनमें हमेशा उत्साह रहता है कि नहीं। जैसे हम थोड़ी बहुत जी पुस्तकें कर लेते हैं तो हमें अवार्ड चाहिए रहता है, और उसके लिए लड़ाई भी हो जाती है कि अरे हमें केवल एक बोतल दी, बोतल से क्या होता, बोतल का मैं क्या करूंगा, कुछ शॉल वॉल दे देते, सर्दी में काम भी आती है, ये हमारा स्तर है। लेकिन सोचिए जो इतने वरिष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त स्तर के हैं, सपोज कीजिए श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अब उनकी वजह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है भारत में, लेकिन वो कहाँ प्रोत्साहन मांगने जाएंगे, उनको कौन ही प्रोत्साहन देगा, वो खड़े हुए व्यक्तित्व से पूरा इस्कॉन प्रोत्साहन ले रहा है। क्यों? क्योंकि उस स्तर पर प्रोत्साहन गुरु की आज्ञा का पालन करने से आ रहा है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान हृदय से प्रोत्साहन देते हैं। तो अभी हमारा स्तर वैसा नहीं है, और हमारे प्रोत्साहन का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले हमको हर चीज में तारीफ चाहिए रहेगी, प्रशंसा चाहिए रहेगी, धीरे धीरे हमारा प्रोत्साहन क्या है, प्रोत्साहन करने के लिए भक्तों को सेवा दी जाएगी, क्योंकि सेवा ज्यादा से ज्यादा करना, किसी भक्त को ज्यादा से ज्यादा सेवा में नियोजित होना चाहिए। तो प्रोत्साहन करने के लिए आपको एक सेवा दे दी जाएगी, उसकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो वो करके आपको हृदय में बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जिम्मेदारी से ये सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। धीरे धीरे स्तर और बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और वह प्रोत्साहन जो है वो भगवान आपको हृदय से देंगे, वो गुरु आपको हृदय से देंगे, वो हृदय में बहुत स्फूर्ति आएगी, लेकिन इसमें समय लगता है कि नहीं। तो हमें इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमारे हमें कोई प्रोत्साहन दे या हमें कोई हमारी कोई तारीफ करे, प्रशंसा करे, लेकिन अथॉरिटी स्ट्रक्चर में हाँ, वरिष्ठ भक्तों को ये सोचना चाहिए कि मुझे कभी कभी, हाँ हमें भक्तों को प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि वो एनकरेज रहेंगे, सेवा में लगाना चाहिए जिससे वो प्रोत्साहित रहेंगे। तो इसमें समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमें आदत छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें केवल इतना समझना चाहिए कि मैं विशेष नहीं हूँ, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि सब लोग मेरी बात करें, मेरी प्रशंसा करें, है कि नहीं। तो इतना कोई व्यक्ति समझ लेगा, और ये आर्टिफिशियली नहीं आता, जितना भक्ति हम अच्छे से करते हैं और जितना हम श्रवण कीर्तन अधिक करते हैं, हमें समझ में आता है कि भगवान इतने महान है, भक्त इतने महान है, हम कहाँ इम्पोर्टेंट है, हम कहाँ विशेष है। तो ये क्रमशः ये मानसिकता हमारे अंदर डेवलप होती है। ठीक है जी, माता, थैंक यू सो मच, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू अरे जोगी, कृष्ण धन्यवाद। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? इस सब जिन्होंने हाथ उठा रखे उनके प्रश्न है क्या? ओके हाँ, अरे प्रभु गीता में, जी, हाँ या तो गीता इंदुलेखा माता जी बताइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, थैंक्स फॉर गिविंग सो नाइस। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम डेमी गॉड्स वर्शिप की बात कर रहे थे और पहले भी करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि टेम्पल्स के अंदर जैसे सीनियर डिवोटीज या लीडर्स कह लें, तो डेमी गॉड टेम्पल्स में लेके जाते हैं, तो जाते हैं। जैसे कि हम स्पेशली उज्जैन में महाकाल दर्शन, और कई बार लीडर्स ऑर्गेनाइज करते हैं सोमनाथ दर्शन टेम्पल के लिए, तो इसको हम कैसे समझें? अच्छा प्रश्न है माता जी, कि आप कह रहे हैं देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमारे तो उज्जैन में मार्केट ही महाकाल का है, फिर भक्त लोग अलग अलग देवताओं के मंदिर भी ले जाते हैं, आप खुद ही मना करते हो और खुद ही ले जाते हो, ऐसा कैसे? लेकिन देखिए, हम अगर किसी को भी भक्तों की यात्रा कहीं पर ले जाते हैं, चाहे वो महाकाल मंदिर में हो, सोमनाथ मंदिर में, कहीं और हो, नॉर्मल नेपाल की यात्रा ले गए, पशुपतिनाथ, कोई और देवता के मंदिर ले गए, वृंदावन में बहुत अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन नहीं, मंदिर में जाना है देवताओं की पूजा, यह समस्या नहीं है। समस्या मानसिकता की है कि किस मानसिकता से हम देवताओं के मंदिर में जा रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं, है कि नहीं। देखिए, कर्दम मुनि ने भगवान की तपस्या की एक पत्नी के लिए,
भगवान की आराधना एक भौतिक इच्छा के लिए कर रही, वो भी सही है। गोपियां कात्यायनी की सेवा कर रही हैं भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तो वो भी सही है। देवताओं के पास हमें भौतिक इच्छा लेकर नहीं जानी, देवताओं के पास केवल यह इच्छा लेके जाना है, जैसे कि हमने अनुवाद में पढ़ा, ठीक है ना, अनुवाद में हमने ये पढ़ा कि कुबेर को यह निश्चित था कि ध्रुव महाराज कुछ भी भौतिक नहीं मांगे, और अगर हमें भौतिक मांगना भी है तो हमें किससे मांगना चाहिए, भगवान से जाकर मांगना चाहिए। तो अगर हम अलग अलग देवताओं के मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं, मानसिकता यह होनी चाहिए कि यह भगवान के परम भक्त हैं और हमें आशीर्वाद उनसे मांगना चाहिए कि भगवान की भक्ति हमें प्रदान करें, भगवान शिव के मंदिर में जाए, ब्रह्मा के मंदिर में जाए, देवताओं के मंदिर में जाए, इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। आप में से किसी को संदेह नहीं होगा कि वो हमसे तो अच्छे ही भक्त हैं, हमसे तो अच्छे ही भक्त हैं, तो हम उनसे आशीर्वाद मांगे कि भगवान की भक्ति हमारी और दृढ़ हो, और जैसे वो भगवान की सेवा कर रहे हैं हम भी भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर रहे हैं। तो मानसिकता किसी व्यक्ति को भक्त या अभक्त बना दे, जाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस वहां जाके बैठे ही रहे, बस डेली वहां पे जाना नहीं, कभी यात्रा लेकर जाते हैं, कभी जाते हैं, तो हाँ वहां हम जा सकते हैं। मानसिकता हमारी भक्तों वाली होनी चाहिए, जो कि भागवत में बताया। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। बसंत प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, दनुत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रीवियस क्लास से क्वेश्चन था, वहां पे ध्रुव महाराज जो है वो यक्ष को मारना शुरू कर दिए थे, तो वहां पे जो उनके दादाजी हैं वो महाराज वो समझा रहे थे, तो मेरा प्रश्न था, जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान को साक्षात करके इतना तपस्या करके, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम फिर से ये इस तरह से हम काम करें? क्योंकि वहां पे बता रहे थे तुम्हें नहीं मारना चाहिए, तुम एक एक छोटा सा चीज के लिए इतने सारे लोगों को क्यों वो कर रहे हो? हरे कृष्ण। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ, भगवान की भक्ति करने के बाद, शुद्ध भक्त होने के बाद, ऐसा कभी नहीं होगा कि भौतिक विकारों से हम उद्वेगित ना हो जाए या अफेक्ट ना हो। युधिष्ठिर महाराज ने भी, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने भी गलतियां की, उसको कोई आप दिव्य दृष्टिकोण नहीं दे सकते कि युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत क्रीड़ा क्यों खेली और हार गए और इतना सब हो गया, वो गलती थी, गलती हुई। ध्रुव महाराज ने, यहाँ पर ध्रुव महाराज को क्रोध आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के परिवार पर हानि पहुंचती है तो व्यक्ति किसी भी सीमा तक जा सकता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जब ध्रुव महाराज को समझाया गया तब ध्रुव महाराज ने क्या प्रतिक्रिया की। युधिष्ठिर महाराज जब सारा राज्य हार गए, गलती उन्होंने कर दी, उसके पश्चात भी भगवान से उनकी पर उनकी श्रद्धा बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो भक्त का अर्थ ये नहीं है कि कभी उससे कोई गलती भूल चूक नहीं हो सकती, या भौतिक जगत के जो प्रभाव है गुण उसको प्रभावित नहीं करेंगे, हो सकता है करें, लेकिन भगवान पर उनकी श्रद्धा कभी उसकी हानि नहीं होती, वह बहुत दृढ़ रूप से भगवान पर श्रद्धा उनकी होती है। ये हम कैसे समझ सकते हैं कि ध्रुव महाराज को जब स्वयंभू मनु ने समझाया, अब देखिए ध्रुव महाराज को इतना क्रोध था तो महाराज स्वयंभू मनु के आने आने पर वे समझते भी क्यों, है कि नहीं? वे बोल सकते थे ना कि इन्होंने मेरे भाई को मारा है और आप बीच में मत पड़िए, जब हमें क्रोध आता है तो हम वैसे भी किसी की नहीं सुनते, है जी कि नहीं? तो स्वयंभू मनु ने जब उन्हें समझाया तब वे होश में भी आए, उन्हें इस बात की ग्लानि भी हुई, उन्होंने कुबेर से जो क्षमा याचना भी की। कुबेर किस चीज से प्रसन्न हुए, देखिए आप, हमने इस श्लोक में पढ़ा है इस अध्याय में, कुबेर इस चीज से प्रसन्न हुए कि ध्रुव महाराज ने अपने पितामह की बात मान ली, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है ना। एक सामान्य व्यक्ति को अगर ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु से ये भी बोल सकते थे ना कि अरे आप हमको ही समझा रहे हो, मैं हर बार मैं ही समझू, मतलब
पहले भी वो सुनी थी, मेरी सौतेली माँ ने बेइज्जती कर दी, तब भी मेरी माँ ने मुझे ही समझाया, और अभी भी गुस्सा आ गया तो भी मुझे ही समझा रहे हो। यक्षों को बोलो इन्होंने मेरे भाई को हाथ क्यों लगाया। नहीं, जो ज्यादा उन्नत होता है समझाया उसको ही जाता है, और उसकी प्रगति इसमें है कि वो समझाई हुई बात वरिष्ठों की मान ले। इसमें ध्रुव महाराज की भक्ति की महानता। तो ये भौतिक उद्वेग तो आ सकते हैं, इसमें ये कोई परेशानी वाली बात है ना। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे अरे कृष्णा। कृष्ण तो इसमें एक चीज मैं जो पहले समझा था कि शायद भगवान का आयोजन होगा ताकि हमें ये शिक्षा मिल सके, पहले मैं जी ये भाग समझ रहा था। जी, देखिए भगवान का आयोजन तो सब कुछ है, भगवान का आयोजन मतलब फिर सब सही है, फिर कुछ सीखने की बात नहीं कुछ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्यों आ रहे हैं, वो तो कृष्ण की इच्छा है, हार गए तो हार गए, लेकिन नहीं, तो वो तो दिव्य स्तर है ही लीला समझने का, लेकिन शिक्षा के लिए हमें भक्तों के परिपाटी से, उनके पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण से समझना चाहिए। जी ठीक है जी थैंक जी, यू सो मच। हरे अक्रूर प्रभु कोई प्रश्न है? कृष्णा को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो तात्पर्य में शब्द आया निर्गुण पक्ष, भगवान के निर्गुण पक्ष, तो निर्गुण पक्ष पर थोड़ा प्रकाश डालना भगवान पड़ेगा। का निर्गुण पक्ष मतलब ब्रह्म ज्योति, जैसे कि कुबेर यहाँ पर कह रहे थे कि भगवान के विग्रह की आप आराधना करिए क्योंकि वह संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, और उनसे संबंध बनाइए और वे आपको इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन क्या हम भगवान के निर्गुण पक्ष ब्रह्म ज्योति की भक्ति कर सकते हैं? भक्ति का अर्थ है सेवा, और भगवान से प्रेम संबंध विकसित करना, क्या वो ब्रह्म ज्योति से करा जा सकता है? क्या हम ट्यूबलाइट से रिलेशनशिप बना सकते हैं? नहीं, प्रकाश से संबंध नहीं बना सकते, क्या है मतलब, वो कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो भगवान वो जो ब्रह्म ज्योति है, संपूर्ण जगत का आश्रय है, लेकिन उसकी भक्ति नहीं की जा सकती, उनकी सेवा नहीं की जा सकती, उनसे प्रेम नहीं किया जा सकता है कि नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कुबेर के आदेशों को इस तरीके से तात्पर्य में वर्णन किया है कि सगुण भगवान की बात कर रहे हैं क्योंकि कुबेर ने विग्रह की बात की। विग्रह मतलब भगवान का रूप है, और रूप है मतलब भगवान के गुण भी हैं, तो भगवान की ब्रह्म ज्योति की बात नहीं हो रही। आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, ठीक, दूसरा पूछना था, जो कुबेर ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देते हैं, उनका युद्ध यक्षों से हो रहा था, तो क्या यक्षों के राजा थे कुबेर जी, या क्या कारण था जी उनका हाँ, थोड़ी जल्दी यक्षगण जानकारी उनकी दे। प्रजा है, यक्षों के राजा हैं कुबेर, जी इसलिए वहां पर वो जब उनकी प्रजा की हानि होने लगी तो वहां पर ध्रुव महाराज को समझाने लगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। मोनिका माता जी, नहीं है जी। रेखा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, जैसे हरे आपने कृष्ण बोला कि हर इंसान दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, ये हम घर में भी देखते हैं, बड़ा अपने से छोटे को कंट्रोल करता है, तो इस चीज को कैसे मतलब समझे या कैसे रोके इस चीज को, ये तो चलता ही आ रहा है। हाँ, ये प्रश्न पहले ही पूछा गया कि इसको रोकें कैसे। देखिए, समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बड़ा छोटे को कंट्रोल करना चाहता है ये गलत बात है, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो जो हमारे अंतर्गत हैं, जो हमारे अधीन हैं, वे भी तो स्वतंत्र हो जाएंगे। माता पिता को बच्चों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि बस अब बच्चों को छोड़ दिया, बस प्रभु जी ने क्लास में बोला था कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जाओ खुले सांड की तरह घूमो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अनुशासित करें, क्योंकि हमें कंट्रोल करना है, प्रभुत्व जमाना है, हमें जिम्मेदारी के रूप में इसे करना चाहिए, आसक्ति के रूप में नहीं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें यह करना है जब तक बच्चे बड़े नहीं होते, है कि नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वह बड़े हो जाते हैं या जब उनकी जिम्मेदारी होती है सबको संभालने की, तब हमें विरक्त भी रहना चाहिए, हमेशा हमारा प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
जब समय था, जिम्मेदारी है, समय है, तब हमें अवश्य ये करना चाहिए, क्योंकि यह गृहस्थाश्रम का धर्म है। अपने अधीन लोगों को, केवल गृहस्थाश्रम में नहीं, जो प्रचार कर रहे हैं उनके अधीन जो लोग हैं, हाँ थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि ये नहीं सुनना है, ये किताब नहीं पढ़नी है, इस समय आना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना, लेकिन ये आसक्ति के रूप में नहीं करना है कि नहीं, इसलिए करना है यह मानसिकता से कि भगवान ने इनको मेरे अधीन जिम्मेदारी के रूप में दिया है, तो मैं हम हमारी सेवा अच्छे से करें। और जब यह सक्षम हो जाएंगे तब धीरे धीरे हमें कंट्रोल छोड़ना भी आना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। कई लोगों को कंट्रोल करना आता नहीं है, ये प्रचार में भी मैं बता रहा हूँ और माता पिता में भी बता रहा हूँ। कई लोगों को बच्चों पर या अपने उनके जो काउंसलिंग है उनको कंट्रोल करना नहीं आता तो पूरा छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे कंट्रोल करते हैं कि कपड़े कौन से पहनेंगे वो भी बताएंगे, वो भी काउंसलर से पूछ के ही बताएंगे। तो इतना कंट्रोल भी नहीं रहना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आना चाहिए कि कब जरूरत है, कब आवश्यकता है, और धीरे धीरे कब हम उनको इतना योग्य बना दें कि वे स्वच्छंद रूप से अपना निर्णय ले सकें। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, केवल कंट्रोल करना जिम्मेदारी नहीं है, उनको इस हिसाब से बड़ा करना कि वे अपने निर्णय खुद ले सकें और अच्छे से ले सकें, शास्त्रों के अनुरूप ले सकें, ये समझाना भी हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। और जिससे हम फिर अंततः विरक्त हो जाएंगे, हमेशा प्रभुत्व नहीं जमाएंगे। तो इस तरीके से उसको किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, जिम्मेदारी के रूप में करना, भगवान की सेवा समझते हुए। लेकिन प्रभु, जैसे ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसमें फीमेल को लगता है कि मैं भी कैपेबल हूँ और उनको भी, लेकिन फिर भी हस्बैंड वाइफ को कंट्रोल तो करता ही है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? जी, देखिए, ये मैं बात वही बोल रहा हूँ, प्रकृति पुरुष और स्त्री की इस प्रकार से है कि जो स्त्री है वे अधीन रहना चाहती हैं। अभी ये जो आपने टॉपिक छेड़ा है वास्तव में बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मनु संहिता में, चाणक्य नीति में, चलिए मैं आप सबको बता ही देता हूँ। भगवान ने स्त्री शरीर बनाया है, मानसिकता यही है स्त्री की रहती है कि वे अधीन रहना चाहती है। श्री प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य में भी कहते हैं कि जब स्त्री छोटी होती है तो वह अपने पिता और भाई के संरक्षण में, युवा होने पर पति के संरक्षण में, वृद्ध होने पर पुत्र के संरक्षण में, तो उनका स्वभाव ही रहता है कि वे अधीन रहना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद का इस पर तीसरे स्कंद पर एक लेक्चर है, आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं। उसका टाइटल है इंडिपेंडेंट वुमेन इजंट हैप्पी, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, यही उसका एग्जैक्ट टाइटल है कि नहीं, तो देख सकते हैं उसको। कहने की बात यह है, लेकिन क्या होता है, वो तब अधीन रह सकती हैं जब उनके पिता, भाई, पुत्र या पति वो बहुत आदर्श चरित्र के हैं। yes. परेशानी क्या होती है कि पुरुष उतना आदर्श नहीं रहता अपने चरित्र में, अपनी भक्ति में, और वे चाहते हैं कि जो स्त्री है हमारी बात माने, ऐसा कभी नहीं होगा, है कि नहीं। तो पुरुष चाहता है कि वो रावण जैसा भोग करता रहे और उसकी पत्नी सीता जैसी पतिव्रता, ऐसा संभव नहीं है कि नहीं। अगर सीता जैसी पतिव्रता पत्नी चाहिए तो पति भी उस प्रकार से भगवान राम की तरह इंद्रियों पर संयम रखने वाला होना चाहिए, तब वे प्राकृतिक रूप से किसी के भी अधीन हो सकती हैं, है कि नहीं। और अगर हस्बैंड अच्छा नहीं होगा, या पिता या भाई या पुत्र, ये अच्छे नहीं होंगे, इंद्रियों पर इनका नियम कानून नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, तो वे स्त्री को अधीन नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि बनाना है, ये अलग कंट्रोवर्सी कोई सोच सकता है कि बनाना ही क्यों है, हम अलग से नहीं रह सकते क्या, नहीं, वो स्वभाव ही है, स्वभाव है उनका वैसा रहना। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि पुरुष उतना अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए भक्ति के रूप में, है कि नहीं। वैसा नहीं हो पाएगा तो उस कारण समस्या होती है, ठीक है माता जी? ओके, अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे बताया गया कि हमें भगवान के अवतारों की भी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, तो जैसे अब लोग घरों में गौर निताई जी या जगन्नाथ जी का विग्रह रखते हैं और
भक्ति करते हैं, तो क्या वो गलत है फिर, या मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ? प्रश्न, मैं बस इसी प्रश्न का इंतजार कर रहा था कि बस ये कब आएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है माता जी। भगवान के जो दूसरे अवतार भी हैं, हम मैंने बताया था कि विग्रह सेवा हम क्यों घर पर हमने क्यों रखा है, क्योंकि मंदिर पर आना बार बार हमारे लिए संभव नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम भगवान के विग्रह रखते हैं। विशेष रूप से भगवान की विग्रह सेवा में जगन्नाथ जी का विग्रह रखना, गौर निताई का विग्रह रखने में अपराध करने की पॉसिबिलिटी कम है, तो इसलिए घरों पर वह विग्रह रखे जाते हैं, जिससे हम घर पर ही विग्रह सेवा कर कर उनको शुद्ध रख सके, नियमित रख सके। लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि वह आपके मुख्य विग्रह नहीं है। आप चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, आपके मुख्य विग्रह मंदिर के विग्रह हैं। आपका असली घर मंदिर, लेकिन वह विग्रह आपने सेवा के लिए रखे हैं, क्योंकि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो वहां आप उनकी सेवा करिए, जी तो प्रभु भोग जी, उनको लगाना, ड्रेस पहनाना। लेकिन आपके असली विग्रह मंदिर में है और आपका असली घर मंदिर है, ये आप सबको याद रखना चाहिए। जी जी प्रभु, हरे यानी कि कृष्ण। प्रैक्टिस के लिए उनको हमको हाँ, मतलब प्रैक्टिस के लिए भरना। बताया गया है, जिससे आप शुद्धि रख सकें, भगवान को भोग लगाने का, जिससे भगवान को भोग लगाते लगाते हमारे अंदर कोई भाव आएगा कि सब कुछ भगवान के लिए होता है, हम स्वतंत्र भोगता नहीं है, इस अभ्यास के लिए। यानी लेकिन कि लेकिन हृदय में मतलब भगवान कृष्ण ही रहने चाहिए। हाँ, जी, आपके मुख्य विग्रह है इस्कॉन मंदिर के विग्रह हैं और आपका घर मंदिर है, ये सब लोग आप याद रखें। बाकी आप घर में कर रहे हैं वो आपके शुद्धिकरण अभ्यास के लिए थोड़ा बहुत चाहिए। जी प्रभु, धन्यवाद। शोभा माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। शोभा माता जी, नहीं है मतलब। मीनू माता जी, प्रभु जी, वो चलिए रीडिंग जी। के लिए, हरे कृष्ण प्रभु जी, रीडिंग के लिए अरे हैंड प्रेस किया था। अच्छा, ठीक है ठीक जी। भक्त वत्सल गौर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे भक्ति समाज में हम प्रचार कार्य में लगे हैं, मान लो हमारे घर क्लास हो रही है, हम क्लास में हमारे दो तीन डिवोटी ऐसे बने जो आगे निकल रहे हैं, और उन्होंने कुछ देर बाद क्या किया, वो आपको ही काटने में लग गए। प्रभु जी, उनका भी ये कार्य है कि आपको कैसे यहाँ से निकाला जाए, कैसे पीछे किया जाए, वो बहुत द्वेष भावना रखना शुरू कर दिया, फिर हम कैसे डील करें? जी, काफी खतरनाक प्रश्न, तो इनसे कैसे डील किया जाए। वास्तव में देखिए, ये सब जगह जब हमने उनको भक्त बनाया है, जब हमारे प्रोग्राम से वो भक्त बने हैं, तब हमें उनको उतना प्रशिक्षण देना चाहिए कि अगर कोई भी चीज कोई कर रहा है तो अगर वो ज्यादा उन्नत हो गए हैं, कुछ भी हो गए हैं, तो वे उससे द्वेष ना रखें। अगर वे ज्यादा उन्नत हैं तो इस भावना से उन्नत ना हो कि कब वो सामने वाले को गिरा कर उसके पद पर पहुंचे। ये अब आप कह रहे हैं कि वो भक्ति में उन्नत है और ऐसा कर रहे हैं, तो मतलब भक्ति में उन्नत नहीं, द्वेष भावना रख रहे हैं कि उस व्यक्ति को हटा दिया जाए, तो भक्ति में उन्नत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उनका प्रशिक्षण अच्छे से नहीं हो पाया। वे भक्ति में उन्होंने साल तो बिता दिए, समय उन्होंने बिताया, हाँ भगवान का भजन उन्होंने किया, लेकिन प्रशिक्षण उनका अच्छे से नहीं हो पाया। लेकिन तो द्वेष भावना, क्योंकि द्वेष भावना अगर है तो भक्ति फिर कैसे है, मतलब संभव ही नहीं, ये समझ में हमें आना चाहिए। तो जब हम प्रचार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बस भक्तों को प्रोग्राम में बुलाएं, प्रसाद खिलाएं और घर भेज दें। प्रचार का अर्थ यह है कि भक्तों को हम आंतरिक रूप से भी प्रशिक्षण दें। इंटरनल ट्रेनिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये केवल प्रचारकों के लिए, आप लोग भी आगे जाके प्रचारक बनेंगे, आपके अंडर बहुत सारे लड़के लड़कियां, पुरुष पुरुष स्त्री, प्रभु जी, माता जी, बच्चे सब आएंगे, तो हमें ध्यान देना है कि केवल हमको उनको भक्ति का ज्ञान नहीं देना है, उन्हें प्रशिक्षण भी देना है कि किस प्रकार उनके अंदर का अंदर के जो अनर्थ हैं वो किस प्रकार से हटाने चाहिए। और दूसरा दृष्टिकोण कि अगर वे ऐसा करना भी चाह रहे हैं तो
हमें उनके साथ बैठकर समझाना चाहिए कि वे, हाँ अगर ठीक है, कोई व्यक्ति अगर खुद से आगे आना चाहता है, खुद से लीडर बनना चाहता है, इसका मतलब वो भक्त ही नहीं, क्योंकि कोई कोई भी खुद से लीडर नहीं बनता है, खुद से आगे इंचार्ज नहीं बनता है। उसकी भक्ति और उसकी सेवा को देखते हुए भक्त ही उसे ये जिम्मेदारियां देते हैं, है कि नहीं? तो खुद से ये नहीं किया जा सकता, उन्हें समझ में आना चाहिए, हमें उन्हें समझाना चाहिए कि अभी सही समय नहीं है, है कि नहीं? और अगर वो समझने पर नहीं भी मानते हैं तो ठीक है, उनके उनको ही कार्य करने दीजिए, क्योंकि समय होता है, कभी कभी रिटायरमेंट का समय होता है, कभी तो रिटायर हूं। तीसरा दृष्टिकोण इसमें यह है कि ऐसा कभी कभी इसलिए भी हो जाता है कि हम हर चीज हमेशा खुद करते रहते हैं, सेवा हम खुद करेंगे, लेक्चर हम खुद देंगे, सब कुछ हम खुद करेंगे, तो इससे लोगों को लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। इसलिए जब हम, हमारे अंडर कोई है, हम प्रचार कर रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को भी धीरे धीरे सेवा दें, और केवल सेवा ना दें, केवल ये सेवा ना दें कि हाँ तुम चटाई बिछा दो, माइक लगा दो, बाल्टी ले आओ, दाल चावल भी, उनको जिम्मेदारियों वाली सेवा दें और उनको प्रोत्साहन भी दें, जैसा कि माताजी ने प्रश्न पूछा भी। इससे क्या होगा, इससे उनको लगेगा कि हाँ मैं कुछ योगदान दे रहा हूँ, तब उनके अंदर ऐसी भावना किसी के अंदर नहीं आती, है कि नहीं? तो ये अभ्यास और मैच्योरिटी वाली बात है, कोई भी प्रीचिंग कर रहा है तो इतना मैच्योर होना चाहिए कि ये चीज उनके समझ में, है ना? प्रश्न का उत्तर मिला माता जी? चलिए माता जी से। मधुसूदन प्रभु, हरे कृष्ण। जी जैसे जैसे गृहस्थ में के बारे में बात कर रहा है, जैसे पुरुष राम की तरह नहीं हो तो ऐसा उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको हम मतलब इंद्र तृप्ति करता है, जो वो ऐसा करता है तो स्त्रियों के लिए क्या वो जो इंद्र तृप्ति करता है क्या आसक्ति रहता है, तो उसको हम कैसे डील करें, वो फिर कैसे इसको ये करें हम? हाँ प्रभु जी, मैं प्रश्न सुन नहीं पाया आपका, बीच में नेटवर्क चला गया था, दोबारा बताइए। जैसे हम गृहस्थ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पुरुष राम की तरह हो तो फिर वो स्त्री, फिर अगर स्त्री फिर वो उसको इंद्र, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी जो प्रश्न कर रहे हैं। हाँ 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 बताइए। एक मिनट रोज जब भी साउंड नहीं फ्रेश है। हरे कृष्णा, सुन पा रहे आप? हाँ मधुसूदन टू, आप बताइए। हाँ, जो अभी जो गृहस्थी के बारे में बात हो रहा है, जैसे कोई प्रभु जी है वो राम की तरह नहीं है, फिर भी वो मतलब माता जी को बोलते हैं कि हम ऐसा करो ऐसा करो, आसक्ति में उसको आने नहीं देते, और अगर स्त्री जैसे माता जी को रहेंगे तो उसके वो भी आसक्ति में रहता है, इंद्र तृप्ति का वैसे भोग में रहता है, तो उसके लिए उसको कैसे फिर डील करें, उसको कैसे क्या करें? सही, अच्छा प्रश्न है। देखिए समस्या ये है कि हम खुद एक अच्छे एग्जाम्पल नहीं रहते हैं, के लिए चाहते हैं कि सामने वाला सुधर, ठीक है? जैसे कि अगर मान लीजिए पुरुष उतना प्रशिक्षित नहीं है तो समस्या जरूर आएगी, क्योंकि कभी कभी कह दिया जाएगा कि आप खुद तो करते नहीं, हमसे कहते रहते। मैं आपको दोबारा एक उदाहरण बताता हूँ। जब व्यक्ति से बात कर रहा था, मेरे ही मित्र थे, तो उनकी अभी अभी शादी हुई है, तो जिस लड़की से उनको शादी करनी थी वो भी भक्त हैं, लेकिन
अभी अभी हमारे टाइप के ही भक्त थे, जैसे ही मंदिर जाते थे सबसे पहले गोविंद दास में घुस जाते थे। वो प्रसाद, प्रसाद के बिना किसी भक्ति, जब भी मंदिर जाएंगे, स्वीट शॉप में चले जाएंगे, गोविंद दास में चले जाएंगे, पुणे की बात बता रहा हूँ, पुणे में जब भी ये लोग जाएंगे, तो वो माता जी नई नई भक्त बनी थी, तो वो उनसे पूछती है कि जब उन्होंने उनसे बोला एक बार क्या फेस्टिवल में हम चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं हम मंदिर नहीं जाएंगे। कारण पूछा क्यों नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाए, इसलिए नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि आपको दर्शन लेने में कोई रुचि तो है नहीं, लेक्चर सुनने में रुचि तो है नहीं, मंदिर जाते हैं आप वैसे ही गोविंद दास में घुस जाते हैं, डोसा खाने समोसे खाने चले जाते हैं, तो मंदिर जाके क्या ही मतलब है। तो वो भी कुछ नहीं बोल पाए, सही बात है, हालांकि वो भक्त बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब प्रसाद प्रसाद होता है। लेकिन तो माता जी ने ये बात पकड़ ली कि खुद प्रसाद के लिए तो उधर भाग जाएंगे, तो मुझसे कहते हैं मंदिर चलिए, फेस्टिवल में ये सेवा करिए वो सेवा करिए, है कि नहीं। तो बात यह है कि हमें खुद पर ध्यान देना आना चाहिए, हम खुद उतना आदर्श प्रस्तुत करें व्यवहार के रूप में, अपनी भक्ति के रूप में, और फिर स्वतः ही लोग हमारा अनुसरण करते हैं। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत हमने बोल दिया है तो बस वो लोग करना चालू कर दें, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में ऐसा थोड़ी बहुत देर लोग हमारी बात मान लेंगे, लेकिन ज्यादा समय नहीं चलेगा, हमें वाक्यों के साथ साथ उदाहरण भी अच्छा पेश करना पड़ेगा, तब हम अच्छे से जो खुद भक्ति कर पाएंगे और फिर दूसरे हमें देख के अच्छे से भक्त बन पाएंगे, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो इसलिए पहले खुद पर ध्यान हमें देना आना चाहिए, हम खुद अच्छे से आदर्शों का पालन करें, फिर स्वतः ही दूसरों पर, दूसरों जो है स्वतः ही स्फुरित होते हैं, प्रेरणा उनको मिलती है कि वो अच्छे उदाहरण का पालन करें, अच्छे से भक्ति करें, है ना। ओके यमुना माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या घर में विग्रह रखने जरूरी होते हैं क्या प्रभु जी? क्योंकि अगर विग्रह घर में रखे तो हमें गांव जाना होता है, वो लेकर जाना होता है, फिर लेडीज को तो बहुत प्रॉब्लम होती है प्रभु जी। तो अगर साथ गांव जाना हो तो साथ में लेके जाए तो वो सेवा कर सकती है, लेकिन अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आए तो अगर गांव जाना ही है तो विग्रह घर में सेवा कौन करेगा प्रभु जी? अगर आड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं है सेवा करने वाला तो? जी अच्छा प्रश्न है। देखिए इसलिए घरों में गौर निताई रखे जाते हैं या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, कि अगर सेवा नहीं भी कर पाए, वैसे तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम सेवा ना कर पाए, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है कि सब लोग बाहर हैं तो हम बाहर भी जाएं तब भी हमें व्यवस्था करके जानी चाहिए कि घर पे सेवा हो जाए, हो जाए, नहीं भी अगर हम घर पर हैं तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हाँ ठीक है हम ऑल्टर बंद रख सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। गृहस्थ आश्रम में श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि गृहस्थों को ड्यूटी वर्शिप करना चाहिए, विग्रह सेवा करना चाहिए घरों में भी और मंदिर में भी, क्योंकि उससे शुद्धि होती है, बाहर के भौतिक वातावरण में बहुत कलमश होता है, गृहस्थ भक्तों को बाहर बहुत डील करना पड़ता है भौतिक जो है शक्ति से, तो इससे उनके अंदर शुद्धि आएगी विग्रह की सेवा से, है ना। लेकिन घर पर जरूरी नहीं है कि हमें विग्रह रखने ही हैं, अगर हमारी बार बार स्थिति ऐसी है कि हमें बार बार बाहर जाना पड़ता है तो हमको बार बार ऑल्टर बंद रखना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है, हम केवल तभी करें जब नियमित रूप से हर तरीके से उनकी सेवा हो सके। और अगर हमको घर में विग्रह रखने भी हैं तो हाँ भगवान के चित्र रख सकते हैं, भगवान के चित्र रखिए, जिस भी मंदिर से संपर्क में हैं आप उनके विग्रहों के जो फोटोज हैं वो आप रखिए और उनको भोग लगाइए, उनकी पूजा कीजिए, है कि नहीं। हमारे यूथ सेंटर जितने भी हैं जहाँ यूथ प्रीचिंग होती है सब जगह फोटोज रहते हैं, और उन फोटोज को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाकर भी लोग भक्त बनते हैं, क्योंकि विग्रह हैं वो भी प्रतिष्ठित हैं, उनमें भी वो शक्ति रहती है, भगवान के चित्र में भी उतनी वो शक्ति रहती है। लेकिन हाँ उनके साथ क्या है कि जब कोई नहीं है तब बंद कर सकता है कि नहीं। तो विग्रह सेवा बहुत हाई स्टैंडर्ड मांगती है, तो अगर हमारी क्षमता नहीं है तो हम ना रखें तो कोई इसमें कोई भी समस्या नहीं है, सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि हम भगवान के समक्ष अपने 16 माला का जप करें, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें,
और अगर हम विग्रह सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, हमारे मुख्य विग्रह मंदिर के विग्रह हैं, गौर निताई नहीं रख पा रहे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं रख पा रहे हैं, तो आप भगवान के फोटोज आपके ऑल्टर में रखिए, उससे कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों का बहुत समय ले लिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रभा। हरे कृष्ण।